कि हमारे वतन अजीज में कोविड वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। मार्च में शुरू हुआ, अब लॉकडाउन चल रहा है। तेलंगाना में 29 मई तक लॉकडाउन रहने वाला है। मैं शुरू दिन से कह रहा हूं, मैंने इस पर आर्टिकल भी लिखा, कानूनदानों से मशवरा करके, कि ये लॉकडाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एपिडेमिक एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे मुल्क में लॉकडाउन नहीं डाल सकती। ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, ये स्टेट सब्जेक्ट है। मुझे नहीं मालूम कि स्टेट गवर्नमेंट्स खामोश क्यों है। अफसोस से इस बात का है कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर, उनके ही दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन के ऊपर केस बुक होता है, एक लफ्ज नहीं बोलते दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। आप क्या खामोशी है आपकी, ये इतनी खामोशी। आपने उनको नामजद किया, आपकी सरकार ने उनको नामजद किया है। 72 ईयर ओल्ड है आदमी, आप बताइए। और फिर ये लॉकडाउन की वजह से जितने हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो खास तौर से बिहार, बंगाल, यूपी, झारखंड से हमारे देश के मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों में गए, यही गरीब लोग हैं जिन्होंने हमारे नए भारत को बनाने में अपना रोल अदा कर रहे हैं। अफसोस होता है कि सीएमआई की रिपोर्ट यह बताती है कि लॉकडाउन की अनप्लान्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन की वजह से 12 करोड़ नौकरियां चली गई, जिसमें से 4 करोड़ तो सिर्फ ये माइग्रेंट लेबरर्स हैं। इनकी कैफियत देखिए। औरंगाबाद में पैदल निकलते हैं, पैदल माइग्रेंट लेबरर्स, और पैदल निकलते हैं, कितने लोगों की, 16 लोगों की मौत हो जाती है। क्योंकि वो गरीब को मालूम कि जो ट्रेन की पटरी को देखकर चलूंगा तो मैं अपने गांव को, अपने देश को पहुंच जाऊंगा। उसको नेशनल हाईवे से मतलब नहीं है, वो सिर्फ ट्रेन की पटरी को, ट्रैक को देखकर समझता है कि मुझे इस तरफ जाना है। थक गए थे वो लोग, किसी ने कहा कि वो बेहोश होकर गिर गए थे। आप अंदाजा लगाइए कि हम क्या जवाब देंगे, हम अपने जमीर को क्या जवाब देंगे। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है, बहसीत एक MP के तकलीफ होती है कि मैं क्या जवाब दूंगा। मैं जो देख रहा हूं भूख को, फाखा कशी को, गुर्बत को, बेरोजगारी को, कभी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा ऐसा। और फिर औरंगाबाद के उस ट्रेन के पटरियों पर 16 लोगों की मौत, उन गरीबों की मौत, उसमें कोई आला जात के लोग नहीं थे। और फिर वो तस्वीर आती है कि लाशें बिखरी पड़ी हुई है और रोटियां पड़ी हुई है रेलवे के ट्रैक के ऊपर। हुकुमरान जो है, चाहे वो BJP हो या महाराष्ट्र की हुकूमत हो, क्या जवाब देंगे आप लोग। कोई इस मुल्क में उन मरने वालों की कोई कीमत है या नहीं, उनकी जान की कोई कीमत ही नहीं। सिर्फ एक बयान आ गया वजीर आजम का और रेलवे मिनिस्टर का कि अफसोस हुआ, मगर जिनके घर पर ये लाशें गई होंगी या जिनको खबर मिली होगी कि उन, जिस औरत को मालूम हुआ होगा कि मेरा पति मर गया, जो बेटा यतीम हुआ होगा, जिसकी मां की कोख उजड़ गई होगी, क्या जवाब देंगे इनको। और क्यों मरे वो लोग, हादसे में नहीं मरे, भूख की वजह से, परेशानी की वजह से, इस कोविड वायरस की डर की वजह से, पैसे नहीं थे, अपनी इज्जत के लिए, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए अपने गांव को, अपने देश को जा रहे थे और थक कर बेहोश होकर गिर गए। ट्रेन आई और ट्रेन उनको मार के चले गई। 800 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर लोग पैदल जा रहे हैं, साइकिल पर जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कोई, अरे दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन साइकिल रेस में भी कोई इतना लंबा सफर कोई नहीं करेगा, मगर अब जाना है उनको। इतने लोग भूखे हैं, ये सरकार कुछ नहीं कर रही। ट्रेन में भी जा रही है, ट्रेन का टिकट पूछ रहे हैं, एक दो ट्रेन गए, अब तक ट्रेन भी रुकने वाली है। कर्नाटका में कहा कि नहीं 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 मत भिजवाओ लोगों को, इनको रहने दो यहां पर। भाई ये
ये इंसान है, इस देश में संविधान है, आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ है। क्या कर रही है सरकार इन मजदूरों के बारे में, माइग्रेंट लेबरर्स के बारे में? इतनी ट्रेन चलाएंगे फुलां, अरे भाई लेके क्यों नहीं जा रहे फिर आप? आपने हर स्टेट गवर्नमेंट को आप बोलना था कि हम ये दे रहे हैं आपको, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हम आपको चावल दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, बाकी इन लोगों को कुछ नहीं, मिलियनों टन पड़ा हुआ है। और इतने बड़ी तादाद में ये मजदूर जो बिहार बंगाल के आपके उत्तर प्रदेश के आए हैं, मुंबई में फंसे हुए हैं, इसका कोई हुकूमत के पास कोई जवाब ही नहीं है, ना इनके पास कुछ है। इंडस्ट्री के लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं इनको वापस मत भेजो, कंपनी शुरू होगी दोबारा। ये स्लेवरी है और ये स्लेवरी हमारे आईन की आर्टिकल 23 के खिलाफ है। क्या हमको ट्रीटमेंट कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि ये लोग फिर वापस आएंगे। जिस तरीके से हमने उनको उनसे सलूक किया, कम से कम तेलंगाना की हद तक यहाँ की हुकूमत ने उनको इमदाद दी, उनकी कुछ मदद की, यहाँ पर उनको कुछ काम दिया, खाना पहुँचाया थोड़ा बहुत हद तक। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखिए कि ये अनप्लान्ड लॉकडाउन की वजह से, ये अनप्लान्ड लॉकडाउन की वजह से इतनी तकालीफ हो रही है, इतनी मसायब और मुश्किलात में इजाफा हो रहा है कि हम बयान भी नहीं कर सकते। बच्चे भूखे हैं, बच्चे भूखे हैं, औरतें परेशान हैं। रोज कोई ना कोई मीडिया में, जो आज भी जो मीडिया में ऐसे लोग जिंदा हैं अभी जो हकीकत को बयान कर रहे हैं, मीडिया के चैनलों पर 70% मोदी का अप्रूवल रेट दिखाते हैं। मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो ये माइग्रेंट लेबर चलकर जा रहे हैं ना, भूख से मरकर जा रहे हैं, एक सीमेंट के मिक्सर ट्रेलर में बंबई से निकलकर उत्तर प्रदेश जा रहा था, मध्य प्रदेश में रोके तो उस सीमेंट के मिक्सर में से 17 लोग निकलते हैं। उनसे जाकर पूछो, लगाओ उनके पास जाकर के 70% अप्रूवल रेट है मोदी का, बोलो क्या बोलेंगे? जो मर गए वो लोग, उनसे जाकर पूछो आप। मगर आज भी मीडिया के लोग जिंदा हैं जो सच बता रहे हैं, मैं उनको सलाम करता हूं। जो गरीबों की तकलीफ को बयान कर रहे हैं, जो मजदूरों की बर्बादी की दास्तानों तक आज भी हमारे घरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये है कि फिर इन तमाम मसायब और मुश्किलात में भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत। चेन्नई में किसी बेकरी में लिख दिया गया कि नहीं, यहां पर मुसलमान काम नहीं करते। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? क्यों इतनी नफरत आप कर रहे हैं? आप इस तरह के नोटिसेस लगाकर, ये आर्टिकल 17 का वायलेशन है, अनटचेबिलिटी बर्खास्त हो चुकी है, और आप वो नोटिस लगा रहे बेकरी में? क्या नहीं, ये लोग क्या इंसान कहलाने की विलायत है कि इस तरह से हरकत करके ये किया जा रहा है? अलीगढ़ में एक बच्चे को इतना मारा और पीटा गया से मुसलमान है बोल के। मीरठ में पुलिस जा रही है, एक तरकारी की मंडी है उसको उलट दिए पुलिस वाले। क्यों भाई? वो गरीब है, तरकारी बेच रहा है, उसको पल पलटा दिए। आखिर ये नफरत कहां जाकर रुकेगी? एक बात जहन नशीन कर लीजिए आप कि जो लोग आज वतन अजीज में ये नफरत कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, इतना जुल्म आप कर सकते करिए, हम भी देखना चाह रहे हैं, दुनिया देख रही है आपकी हैवानियत को, दुनिया देख रही है कि आपके जुल्म को दुनिया देख रही है, हम भी देख रहे हैं। मगर याद रखिए, तारीख कभी आपको माफ नहीं करेगी। आप माइग्रेंट लेबरर्स को, जो 16 लोग मर गए उनकी जबानों को तो आप खामोश कर दिए, आप मार मार कर मुसलमानों पर जुल्म करके उनको खामोश तो कर सकते हैं, मगर याद रखिए तारीख कभी माफ नहीं करेगी आपको, तारीख कभी माफ नहीं करेगी। हम इसको याद रखेंगे, हम इंसान हैं, हमारे सीनों में धड़कता हुआ दिल है, हम इसको याद रखेंगे, हम अपनी नस्लों को बताएंगे कि कैसा इस वक्त जुल्म हुआ था, कैसी नफरत पैदा की गई थी।
कैसा एक बीमारी को एक मजहब से जोड़ दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है, हरगिज ठीक नहीं। मुल्क को मजबूत करना है, मुल्क मजबूत नहीं हो सकता इस नफरत से, मुल्क मजबूत नहीं हो सकता जब हम गरीबों से इस तरह का बर्ताव करेंगे। कौन सी मोहब्बत के मजाहरे हम कर रहे हैं कि जब भारत की हाईवे के ऊपर दिल्ली से, मुंबई से, हैदराबाद से, बेंगलुरु से, चेन्नई से लोग जा रहे हैं अपने वतन की तरफ, क्या जवाब देंगे हम इन लोगों को? और इनका कसूर क्या? इसमें सिर्फ गरीब है? अपने घर को, अपने बच्चों को खिलाने के लिए, अपने घर में एक चिराग जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए हजार हजार किलोमीटर दूर अपने घरों से फंसे पड़े हुए, गुजरात से फोन आता है, सूरत से आता है कि हमको जाना है, हमारा इंतजाम करो, हम जाना चाहते हैं, बिहार को जाना चाहते हैं, सीमांचल को जाना चाहते हैं, किशनगंज को जाना चाहते हैं, अररिया को जाना चाहते हैं। मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी हुकूमत हरकत करेगी। देख लिया ना आपने, जो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे जब हमने कहा कि दिए जलाओ, थाली बजाओ, ये सब इससे कुछ होने वाला नहीं है, आज देख लिया आपने इन लोगों के, गरीबों को 4 करोड़ माइग्रेंट लेबर्स की नौकरी चली गई अनप्लान्ड लॉकडाउन की वजह से। आप खुद सोचिए कि तेलंगाना में 11,000 करोड़ रेवेन्यू आता था स्टेट को, आज 1200 दिन को आज 1200 नहीं आ रहा है। 3,000 करोड़ तो सिर्फ तनख्वाहें देना है तेलंगाना सरकार को। बड़े बड़ी बातें करते थे बीजेपी के लोग, 15% GDP, अब -15% हो गया। 1,00,000 करोड़ का आपने टारगेट लगाया था अप्रैल में टैक्सेस का, कितने है आपके पास? 25,000 करोड़ भी नहीं आए। इस सरकार के पास क्या पॉलिसी है? आज आप कह रहे हैं कि ट्रेन को चला देंगे, आज आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। अजीब बात है कि शराब की दुकानें खोल दी आपने, जब सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं आया किसी को। 9 बजे शराब की दुकान खुलना और 6 बजे लोग खड़े हुए हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, हजारों की तादाद में लोग एक दूसरे से चिपके हुए हैं, क्या शराब खरीदना है? वाह, ये गांधी का मुल्क है ना, ये नानक का मुल्क है, ये अंबेडकर का मुल्क है, और लॉकडाउन में शराब की दुकान और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, क्यों नहीं रेवेन्यू आता? मैं वजीर आजम से कहना चाह रहा हूं, वजीर आजम, शराब की दुकान खोलने से अगर आमदनी हो सकती है तो आप नोट छापिए ना, रिजर्व बैंक के पास रिजर्व है, फॉरन रिजर्व है, नोट छापिए, आप स्टेट्स की मदद करिए। मैं वजीर आजम से पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं आप तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की इन तजावीज को क्यों नहीं कबूल कर रहे? आप FRBM एक्ट की लिमिट्स को 3% से 5% क्यों नहीं बढ़ा रहे? आप वेज एंड मींस एडवांस 100% क्यों नहीं कर रहे? आप PM केयर्स को आपने CSR में ला लिया, CM रिलीफ फंड को भी लाइए। वजीर आजम सिर्फ सुनते हैं, 4-5 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है और कह दिए इकोनॉमी रिवाइव करें। कैसे इकोनॉमी रिवाइव होगी? कहां से इकोनॉमी रिवाइव होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल होगा उस स्टेट्स को हेल्प करने के लिए? आप कह रहे हैं कि नहीं, अब तो कोविड से साथ रहना है। फिर इतने दिन हमने जो लॉकडाउन किया, क्या हासिल किया बताइए? क्या सरकार ने किया? कोई जवाब नहीं है इनका इसके पास। मैं तो पैगाम दे रहा हूं उन लेबरर्स को, उन गरीबों को, अभी भी आपके पास वक्त है, उठिए, आपकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है मुसलमानों की नफरत का, निकालिए। जो सरकार आपकी आंखों पर ये पर्दा डालकर असल मसाइल पर आपकी तवज्जो नहीं ला रही है। ये कौन है माइग्रेंट लेबर? कितने बताइए आलाजात के, उसमें कितने आलाजात के? पूरे गरीब हैं, पूरे के पूरे गरीब हैं, मरने वाले गरीब, हजारों किलोमीटर चलने वाला गरीब, बच्चों को अपनी माओ को गोद में उठाकर साइकिल पर बिठाकर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ये नजारे हम तमाम को हाउंट करेंगे। ये हम तमाम को, जिसके दिल में सीना है, जिसमें अगर रत्ती बराबर इंसानियत बरकरार है,
तो उसको और हमको नींद रात में सोने नहीं देगी ये नजारे, ये तकलीफ के मजारे हो रहे हैं।